हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास नथिंग CMF फोन 1। तो आज दोस्तों इसका गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं और बताएंगे इस फोन में किस तरीके का गेम प्ले होता है। तो आप अगर इस फोन को बाय करने का सोच रहे हैं या फिर बाय कर चुके हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा फुल डिटेल नॉलेज में बताऊँगा कि इसमें गेम कैसा चलता है, हीट होता है या नहीं होता है, क्या लैगिंग वगैरह होता है या नहीं होता है, सारा चीज़ दोस्तों आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। फोन पूरा 100% चार्ज कर दिया हूँ और एक घंटे के लिए पबजी गेम प्ले करके आपको बताऊँगा किस तरीके का गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है। इस फोन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 का प्रोसेसर यूज किया गया है और यहाँ पे आपको एक गेमिंग मोड मिल जाता है, जिसे दोस्तों ऑन करने के बाद आपको परफॉर्मेंस काफी बेहतर मिल जाएगा। तो ये वाला सेटिंग आप ऑन करके गेम प्ले कर सकते हैं। बाकी ग्राफिक की बात करें तो यहाँ पे स्मूथ का एक्सट्रीम मिल जाता है। तो इस ग्राफिक में 15 मिनट के लिए सबसे पहले TDM गेम प्ले करेंगे और यहाँ पे देखिए बैलेंस का यहाँ पे अल्ट्रा मिल जाता है, HD का यहाँ पे अल्ट्रा मिलता है और HDR का भी दोस्तों इस फोन में सेटिंग मिलता है अल्ट्रा में। ओके, तो अभी जो ग्राफिक करने वाला हूँ स्मूथ का यहाँ पे एक्सट्रीम कर देते हैं और यहाँ पे देखिए कलरफुल करके ओके करते हैं। इस ग्राफिक पे 15 मिनट के लिए TDM गेम प्ले करेंगे और गाइस मेरे पास जो वेरियंट है 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट है। तो चलिए दोस्तों गेमिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस गेमिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर 35 है और फोन की हीट की बात करें तो 37 के आसपास है। ओके, तो चलिए 15 मिनट के लिए आप गेम प्ले देखिए। तो गाइस यहाँ पे गेम खेलते हुए 15 मिनट पूरा हो चुका है और यहाँ पे गाइस बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं 97% चार्ज है, मतलब 3% बैटरी ड्रेन हो गया है 15 मिनट में। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इस फोन में आपको जायरो सेंसर भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप गेम प्ले कर सकते हैं। हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर अभी 34 है और फोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए बैक से 38 देखने को मिल जाता है और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 40 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। मतलब दोस्तों फोन थोड़ा हीट हो रहा है गेम खेलने में। आपके पास अभी अगर सेम यूनिट है कमेंट में जरूर बताएं आपका फोन हीट वगैरह होता है या नहीं होता है। बाकी दोस्तों गेम जो एक्सपीरियंस है वो काफी मस्त है, काफी अच्छा चला है, अभी तक दोस्तों कोई लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो अब जो दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक का सेटिंग करने वाले हैं, बैलेंस का यहाँ पे अल्ट्रा कर देते हैं और इस ग्राफिक में 15 मिनट के लिए फिर से TDM गेम प्ले करते हैं। तो गाइस गेम खेलते हुए हो गया है 15 मिनट पूरा और टोटल टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिनट हो गया है और फोन में चार्ज है 95%, मतलब 5% बैटरी ड्रेन हो जाता है 30 मिनट गेम प्ले करने के बाद। और यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर 35 है और फोन की हीट की बात करें तो 40 के आसपास यहाँ पे हीटिंग देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों गेम एक्सपीरियंस की बात करें तो गाइस यहाँ पे काफी मस्त गेम प्ले हुआ है, अभी तक दोस्तों लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, काफी स्मूथ गेम प्ले हो रहा है। बाकी दोस्तों अब जो गेम प्ले करेंगे यहाँ पे ग्राफिक को चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे
HD का अल्ट्रा नहीं करेंगे, HDR का दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रा में गेम प्ले करते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। अभी दोस्तों मेन मैच गेम प्ले करते हैं एशिया कैरेंगल मैप और बाकी आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो फाइनली गाइस फोन जो है आधा घंटा पूरा हो चुका है गेम खेलते हुए, टोटल टाइम 1 आवर कंप्लीट हो चुका है और 1 आवर में यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं 89% चार्ज है। मतलब दोस्तों 11% बैटरी ड्रेन होता है 1 आवर गेम प्ले करने के बाद। आपके पास अगर सेम फोन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका फ़ोन किस तरीके से बैटरी ड्रेन कर रहा है और लैगिंग इशू है या नहीं है इस फोन में, आप अपना राय जरूर कमेंट में दे सकते हैं। हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं 34 है। फ़ोन की फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 39 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है हीट, मतलब 40 के आसपास है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये फ़ोन हीट हो रहा है। गेमिंग के मामले में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, गेम के लिए आप अगर इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हाई ग्राफिक के साथ साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो आप अगर वैल्यू फॉर मनी गेम के लिए खोज रहे हैं तो ये वाला आप फ़ोन ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।